हिमाचल में एनपीएस का विरोध जारी है। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और कर्मचारियों को मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसके चलते हिमाचल सरकारी कर्मचारियों में काफी रोष पैदा हो रहा है। इसका असर अन्य राज्यों के साथ साथ सोलन में भी देखने को मिला। सोलन के सरकारी पीजी कॉलेज में कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सतीश ठाकुर व विनीता सकलानी की अगुवाई में ये रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम के कारण केवल कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उनका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। यही कारण है कि प्रदेश भर में स्कीम का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिमला में एनपीएस के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए सोलन में ब्लैक रिबन लगाकर रोष जताया गया। साथ ही जब तक सरकार उनकी ये मांगे नहीं मानती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तो केवल आंदोलन का ही शुरुआत हुई है, अगर मांगे जल्द नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। ये जो आज प्रोटेस्ट है जिसमें हम काले रिबन लगा के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं जो आज 7 मार्च से जो है डीसी ऑफिस के बाहर शिमला में रोज़ाना जो है एक हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं, और इतनी हमारी लंबित मांग है न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करने की और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कराने के लिए, उसके पक्ष में जो है ये हमारा आंदोलन है। और क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे जाके अपना जो है दर्ज कर रहे हैं इस पूरे मुहिम में अपनी हिस्सेदारी, और हम लोगों का ये था कि जो लोग बाहर हैं वो लोग अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने अपने ऑफिस में काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मांग है सरकार से हमेशा यही रही है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है ये कर्मचारियों के पक्ष में नहीं है, खासकर क्योंकि ये जो है बाजार आधारित स्कीम है जिसमें पेंशन का एक गारंटेड जो है वो नहीं है कि कितना पेंशन जो है एम्प्लॉय को मिलेगा, तो इस तरह की गारंटी जो एनपीएस की जो है वो हमें नहीं देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तर्ज के ऊपर पहले पेंशन दी जाती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसी तर्ज पे जो है कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। इसके साथ साथ आज के दिन में इस वाले जो साल है इससे हम लोग इवन जो गवर्नमेंट शेयर हमारे इसमें डाल रही है एनपीएस के एम्प्लॉयज़ के लिए, उस शेयर के ऊपर जो शेयर अभी हमारे हाथ में भी नहीं है, जो कभी हमें 60 साल के बाद मिलना है नहीं मिलना है कितना मिलना है वो हम जानते नहीं हैं, उसके ऊपर भी 4% जो है हम लोगों से टैक्स वसूली की जा रही है। और साथ ही साथ जो है जितने भी जो बेनिफिट्स होते हैं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ को, जिस तरह से विकलांगता पेंशन होती है या डिसीज्ड पेंशन होती हैं, वो किसी तरह का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे नहीं है। कुछ एक मांगे जो है हमारे आंदोलन के चलते जो सरकार ने मानी है, लेकिन तब भी अभी बहुत मांगे लंबित है, लेकिन एक मांग जो हमारा जहाँ पे फुल स्टॉप है वो ये है कि इस नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है बहाल किया जाए। इसी यही हमारा जो है आंदोलन है, और ये तो सिर्फ एक कड़ी है आंदोलन की जो हम इस तरह से डीसी ऑफिस के बाहर बैठ रहे हैं या फिर हम जो है आज कॉलेज में ये काले बिल्ले लगा के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन लंबा है, हमेशा से चलता रहा है, आप लोग जानते मीडिया के बिहाफ से हम लोग जो है इसको उठाते भी रहे हैं, और ये जो है तब तक चलेगा जब तक ये मांग फाइनली मानी नहीं जाती। नमस्कार सर, माई सेल्फ सतीश ठाकुर, मैं HGCT का हिमाचल का जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेशनल, और ये हमारी जो कॉल है जो शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर धरना चला हुआ है न्यू पेंशन स्कीम के लिए, हम पूरे समस्त कर्मचारी वर्ग जो है इस धरने में सम्मिलित हुए हैं, और जो लोग जो है उस धरने में जा नहीं पाए हैं तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आज पूरे हिमाचल में गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की तरफ से जहां उनके कार्यस्थल है वहां से हमने ब्लैक बैचेस पहन के एक उनको मॉरल सपोर्ट दिया है, और हम चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम की जगह जो है और पेंशन स्कीम बहाल हो, और इसमें पूरे हिमाचल वर्ष में सारे कर्मचारी जो हैं एकत्रित हैं, और पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ विभिन्न विभागों में विभाग हैं हमारे, वहाँ पे सब ने आज ब्लैक बैजेस पहन के समस्त कर्मचारी वर्ग को सपोर्ट किया है। जब तक गवर्नमेंट जो है इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक जो है हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी फिलहाल जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है, अगर नहीं लेती है तो जितने भी ये यूनियन के पदाधिकारी हैं वो इसमें चिंतन करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे।